अस्सलाम वालेकुम, कैसे कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि ठीक ठाक होंगे, खैरियत होंगे। सो अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कहें सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया वो भी कर लीजिए। सो यहाँ होगा इंस्टाग्राम, तो दिल करे तो फॉलो कर लेना। एंड वीडियो को लाइक भी नहीं किया होगा आप लोगों ने, तो यार वो भी कर दो। तो आज मैं रिएक्ट करने वाला एक सॉन्ग पे, पवन सिंह का सॉन्ग है, तो भोजपुरी पवन सिंह का सॉन्ग है। बाकी हिंदी में लिखा हुआ है तो वो पढ़ना नहीं आ रहा, लेकिन आई थिंक कोई दिवा तो लेट्स सी ये सॉन्ग कैसा होता है। ये गीत है, सॉरी, बेसिकली तो भोजपुरी छठ पूजा वाले गीत है, तो लेट्स सी कैसा होता है। 1 2 3 हैवी गो। काफ़ी इमोशनल गीत, आई थिंक गीत है, सॉन्ग नहीं है। तो समझ नहीं आया बिल्कुल भी, लेकिन मैं इमोशन फील कर सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ। स्टोरी बिल्कुल समझ आ रही थी कि भाई
आर्मी की लाइफ यू नो फौज की लाइफ आसान नहीं होती, वो अपने बॉर्डर पे अपने मुल्क की यू नो हिफाजत के लिए जान भी कुर्बान कर देते, तो उनके घर वालों पे क्या गुजरती है, दो दो तीन तीन मंथ घर पे नहीं आते, तो वो फीलिंग तो वही समझ सकते हैं। जो भी कोई इवेंट होता है, कोई त्यौहार होता है, वो मौजूद नहीं होते तो उसको मिस करते हैं। तो हमें यू नो अपने आर्मी की, अपनी फ़ौज की यू नो क्या कहते हैं, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वो है तो हम है, आज़ाद है, यू नो महफूज है। तो ये चीज़ यू नो फील कर रहा था इस सॉन्ग पे, और कुछ कह रहे थे ना कि मेरी माँ रो रही होगी, कुछ इमोशनल चीज़ है यार ये। खैर यार, आपको गीत अच्छा लगा तो समझ भी नहीं आएगा, लेकिन फील किया होगा आपने यू नो कि वो फीलिंग जो होती है। खैर, और आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में बहुत याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।